हेलो, हाय वरुण, कंफर्म कीजिए। आपको सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कुछ ऑप्शंस मुझे क्लियर नहीं है। प्लीज़ कंफर्म कीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही। थैंक यू नीतीश जी कंफर्म करने के लिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन मैंने 20,000 का एक फैमिली कंप्लीट किया अपने यूट्यूब चैनल पर, और काफ़ी खुश हूँ आज मैं। होप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से सेफ होंगे। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, आज का जो सेशन है वो इससे डिस्कस करेंगे कि लोग ऑलरेडी बहुत सारे डिस्टर्ब हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, रिलेटिव्स को लेके, तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं अपने चैनल के बारे में भी आप लोगों से क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, जब वो कॉल करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें भी आज इस सेशन में हम क्लियर करेंगे और आपकी भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे। एक मिनट, मैं अपना लाइव सेशन चैट बॉक्स ओपन कर लिया है मैंने। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में आंसर भी करूँगा। उससे पहले मैं कुछ चैनल से रिलेटेड क्लियर करना चाहता हूँ। नीतीश जी, 20 लाख का बजट है आपका। देखिए, करंटली अभी मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही डील कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं पूरा NCR कवर करूँगा और पैन इंडिया लेवल तक भी जाऊँगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। और मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं आपको पहले ये बात चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अपने वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन करते हैं वो ये करते हैं कि आपका कोई कमीशन तो नहीं है इसमें, तो मैं उन सभी लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग आपका चैनल चलाता हूँ, जिसपे मैं वीडियोस के थ्रू आपके रियल इस्टेट प्रोजेक्ट प्रमोट करता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में नहीं हूँ, मेरा खुद का ये चैनल है, और इस चैनल पर मैं जो भी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, वो सिर्फ मैं प्रमोट करता हूँ, ना कि मैं सेल परचेज करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम आपकी क्वेरीज लेते हैं यहाँ पर, और उन क्वेरीज को डायरेक्टली बिल्डर की साइड से हैंडल कराते हैं, जिससे बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं और उनका जो कमीशन होता है वो आपका बच जाता है। ऊपर से आपकी वर्चुअल साइट विजिट हो जाती है, जो आपका जैसे आप घर बैठे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ घर देखना है कहाँ नहीं देखना, तो आप चैनल पर जाकर एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको लग जाता है कि भाई यहाँ पर ये साइट है और इस जगह पर आपको जाना है। अगर आपको सुटेबल लग रहा है, आपके बजट में है, तब आप जा सकते हैं वहाँ पर। और हम आपको क्या करते हैं, हम आपको डायरेक्ट बिल्डर से मिलवाते हैं। आपके पास हमारे चैनल के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो आप वीडियोस के थ्रू एक बार पहले वर्चुअल साइट विजिट कर लेते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट साइट पे जाके फिजिकल विजिट हो जाती है आपकी। अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है कि आप उसे फाइनल करें ना करें। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको वो प्रॉपर्टी फाइनल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम सिर्फ हमारा जो रोल होता है इस चैनल के ऊपर वो इतना होता है कि हम बिल्डर से एक मार्केटिंग कॉस्ट चार्ज करते हैं, जो सिर्फ उस वीडियो की होती है। उसके अलावा हमारी तरफ से आपको, हमारे नाम से आपसे कोई पैसा ले तो वो भी हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप उस पर किसी को भी पैसा दीजिए, क्योंकि हम कोई ऐसी डिमांड नहीं करते। थैंक यू नीतीश जी। यस, 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और मतलब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ओनली 10 to 11% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एक तो रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी।
एक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी मतलब जिन लोगों को भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। कुछ और लोग अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाय प्रशांत जी, हाय वरुण जी, इस सेशन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इस सेशन के बाद में आपको अपने सेल्स मैनेजर को बोल के कॉल कराऊंगा और ऑप्शन शेयर कराऊंगा। हाय प्रशांत जी, गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि आप लोग, आप जैसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के अंदर जो भी सैंपल यूनिट अवेलेबल होता है साइट पर, चाहे वो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैं विलास का वीडियो बनाता हूं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ सैंपल यूनिट जैसे 70 गज का जो है ना, एक अभी मैं पाम ग्रीन्स की बात करता हूं जो मैंने वीडियो बनाया था, तो पाम ग्रीन्स के अंदर मुझे क्या चैलेंज फेस करने को मिला, वहां पर 70 गज का सैंपल यूनिट जो खाली था जो मुझे शूट करने के लिए मिला अवेलेबल, तो मैंने वो शूट किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर और साइजेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर मिनिमम जो साइज़ है वो 20 लाख रुपए का 50 गज का साइज़ है, वो मैंने वीडियो में मेंशन किया। बट काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रही है कि आपने वीडियो में तो 33 लाख का दिखाया और आप उस पर थंबनेल पे आपने 20 लाख लिख दिया। तो आप वीडियो के एंड में प्रॉपर समझिए कि आपको पूरी तरीके से मैंने समझाया कि 50 गज का साइज आपको 20 लाख रुपए में है और 33 लाख रुपए का 70 गज का आपको वो जो विला है वो आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में A to Z प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन करता हूँ, तो आपको वहाँ पर भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अमित जी, आप मुझे अपना नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर क्योंकि शॉप्स वगैरह हैं हमारे पास अवेलेबल, इन्वेंट्रीज का डिटेल्स जो है वो हमारे सेल्स मैनेजर आपको बताएंगे, क्योंकि मैं सेल्स नहीं हैंडल करता हूँ, मेरी सेल्स टीम है जो सेल्स के लिए क्वेश्चंस आपके आंसर करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो पर जाकर कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपना नंबर वहाँ पर मैंशन कीजिए, मैं आपको इस सेशन के बाद डेफिनेटली कॉल अरेंज कराऊँगा। थैंक यू दीपक जी, यस वी हैव कंप्लीटेड 20,000 सब्सक्राइबर, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट चैट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और गाइस इस सेशन के बीच में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़ोन करते हैं और काफ़ी लेट नाइट फ़ोन करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी जो टाइम चल रहा है वो एक तो कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, दूसरी चीज़ हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो 10 AM से 7 PM तक है, उसके बाद में अगर आप कॉल करते हैं तो वो जो क्वेरी है आपकी नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स की जाएगी, सेम डे नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है। सेल्स टीम जब अवेलेबल होगी तभी तो आपको इन्वेंट्री चेक करके बताएगी। बॉबी जी, डेफिनेटली आपके पास, आपके लिए हमारे पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, आप मुझे अपना नंबर कमेंट सेक्शन में प्लीज भेजिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना नंबर शेयर कीजिए, हम आपको इस सेशन के बाद कॉल करवा के आपको ऑप्शन शेयर कराते हैं। सर और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो
बजटेड पार्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेशन के अंदर अगर आप सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट देख रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम आपको जो 2 BHK फ्लैट आपको एक सोसाइटी के अंदर मिलता है वो 33 to 35 लैक्स के बीच में मिलता है, जिसमें आपको अमेनिटीज मिलती हैं। इससे नीचे का अगर आपका बजट है या तो आप इंडिपेंडेंट हाउस में जाइए, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, या फिर आप अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो आपको बिल्डर फ्लोर फ्लैट ही मिल पाएगा, जिसमें कि आपको अमेनिटीज़ नहीं मिलेंगी, सिर्फ लिफ्ट और कार पार्किंग का प्रिविलेज मिलेगा, तो वो आप देख सकते हैं। आजकल तो बिल्डर फ्लोर में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको इस बीच बता देता हूँ कि मैं भी जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो काफ़ी जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रखी है, और सब लोग अपने रिलेटिव्स को खो रहे हैं, काफ़ी लोग फैमिली मेम्बर्स को खोया, तो उनके लिए मैं बड़ा उनके लॉस के लिए वो फील करता हूँ। इनफैक्ट मेरे भी रिलेटिव्स ने काफ़ी कुछ खोया है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव था। 17 अप्रैल को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद 15 डेज के लिए मैं क्वारंटाइन रहा था, और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आई है। सो यही रीज़न है कि वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको 20,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इस सेशन के बाद मैं आपको सेशन के एंड में ही बता दूंगा कि कितने बजे वीडियो लाइव होगी। रजनी जी, यस, 2 BHK 16 लाख रुपये, 16.5 लाख रुपये में एक ऑप्शन है हमारे पास। आपने मुझे मैसेज भेजा था, आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए 9811417804 या फिर 9958825900। सौरभ जी, यू आर लुकिंग फॉर 40 to 50 lakh बजट गेटेड सोसाइटी, ओके, यू लुकिंग फॉर विला। ठीक है सर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मेंशन कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली विला के ऑप्शन शेयर करवाता हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा, अभी तो खैर बाहर निकलने का माहौल ही नहीं है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सारी साइट्स भी बंद है, रियल इस्टेट की कोई साइट खुली भी नहीं है, सब जगह कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आप घर से बाहर निकलें, अभी आप घर में ही रहिए। आप अपना नंबर मेंशन कीजिए, इतने आपको मैं आपके ऑप्शंस आपके व्हाट्सएप पे शेयर करा दूंगा, और जब आप आना चाहेंगे, जब आपका माहौल ठीक होगा आपकी जगह पर, तो फिर आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू 20K सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू। और भी जो लोग हैं प्लीज अपने अपने क्वेश्चन इस सेशन में पूछ सकते हैं। जो भी लोग इस सेशन में अपने रिक्वायरमेंट मेंशन कर रहे हैं, मैं उनसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर या तो उसमें शेयर कीजिए, या फिर आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स दोनों मेंशन है यहाँ पर, हमारे चैनल के होम पेज पर ही दोनों नंबर मेंशन है। कुमार पाल जी, बताइए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, बताइए सर। टू बी एच के आपको सेंट्रल नोएडा में चाहिए सर, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या बजट मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जब हमारी सेल्स टीम कॉल करती है, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, आप लोग होते हैं, तो जब हम आपसे अप्रॉक्सीमेट बजट पूछते हैं तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि हमारे पास 0 to 20 lakh से लेके आपके पास 20 crore तक के प्रॉपर्टी आपको हमारे पास देखने को मिलेगी, लेकिन
हम ऑप्शन आपको उसी के बेसिस पे देंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या बजट है, उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलते हैं हमारी तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको सारे ऑप्शन एक साथ उठा के दे देंगे, आप उसमें आपको भी कन्फ्यूज़न होगी, हमें भी कन्फ्यूज़न होगी। तो इसलिए बेटर रहेगा कि जब आपको सेल्स टीम कॉल करती है तो आपको एक बार अपना एक अप्रॉक्सीमेट बजट का आइडिया देना ज़रूरी है, जिससे हम आपको उसी हिसाब से ऑप्शंस प्रोवाइड करें। कौन कौन चाहता है कि आज वीडियो लाइव हो, मैं एक बार क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं एक वीडियो लाइव करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते नहीं हैं पूरी वीडियो और फिर फ़ोन कर देते हैं डायरेक्ट। तो बेटर है कि पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, क्या किस तरीके का उसमें प्रॉपर्टी दिखाई गई है, क्या आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ही कॉल करें। सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि किन किन लोगों को विलास की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, किन किन लोगों को फ्लैट की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, उसी के हिसाब से मैं आने वाली वीडियोस में अपनी वीडियोस बनाऊंगा। आपकी रिक्वायरमेंट ही मेरे लिए एक मेन पॉइंट है पहली बात तो। और भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ अभी। इस बीच अगर मैंने किसी की क्वेरी मिस कर दी हो तो प्लीज बताएं मुझे। कुमार पाल जी, डेफिनेटली हमारे पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, इनफैक्ट सारे ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, पूरा ग्रेटर नोएडा, नोएडा सेंट्रल नोएडा, सारी जगह पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और अपना अप्रॉक्सीमेट बजट शेयर कीजिए, उसी के हिसाब से हम ऑप्शन आपको फिल्टर आउट करके आपको हमारी सेल्स टीम से कोई भी एक सेल्स मैनेजर आपको कॉल करके ऑप्शन शेयर कर देंगे। और भी काफी। तो गाइस ये सेशन मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि आप अपनी क्वेरी शेयर करें। सेंट्रल नोएडा के अंदर सर 2 BHK फ्लैट 40 लाख में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आपको उसके लिए थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा, 4 से 5 किलोमीटर दूर आपको एक्सटेंशन में जो सेक्टर 1 है वहाँ से आपको जो नोएडा सेंट्रल नोएडा की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर आपको फ्लैट्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, 2 BHK फ्लैट 40 लाख। बाकी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। अमित शर्मा जी के पूछ रहे हैं नॉलेज पार्क 2 का प्लॉट सही रहेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल सही रहेगा, प्राइम लोकेशन है। अगर आपने ले लिया है या फिर आप लेने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस आप अगर आपका बजट फिट बैठेगा उसमें डेफिनेटली हम आपको देंगे। अमित जी इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, हमारे सेल्स मैनेजर साहब से बात करके सारा कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली सेल्स नहीं हैंडल करता हूँ, तो आपसे मैं अभी रियल टाइम रेट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
सर आप अपना अमित जी, अमित शर्मा जी पूछ रहे हैं, ऑथराइज है क्या लॉयड कॉलेज के पास? सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, मैं एक बार सेल्स मैनेजर को बोल देता हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे और सारी डिटेल्स आपको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। अगर आपको सुटेबल लगती है तो आप एक बार आकर विजिट कर लीजिएगा जब आपको ठीक लगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे पास जो आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए अभी हम वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके लिए डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब भी ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको बेटर से बेटर प्रॉपर्टी आपको इस चैनल के ऊपर दिखाऊँगा। पुष्पेंद्र जी डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, 35 लाख रुपये में आपको अच्छे खासे विलास के ऑप्शन मिल जाएंगे और मिनिमम 65 to 70 गज का विला आपको इसमें मिल जाएगा। कई कई जगह पर आपको 80 गज का भी विला मिल जाएगा 35 लाख रुपए में। आप अपना पुष्पेंद्र जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए और मैं डेफिनेटली आपको कॉल अरेंज कराता हूँ और ऑप्शन शेयर कराता हूँ इसके लिए। सर मैं आपको बता देता हूँ, पुष्पेंद्र जी आपको बता देता हूँ कि डाउन पेमेंट जो होता है विलास, जो इंडिपेंडेंट विलास जो आपको मैं दिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर, उसमें मिनिमम आपको 20% का डाउन पेमेंट देना होता है। 10% आपको बुकिंग के टाइम पे देना पड़ता है और 10% जो आपको देना पड़ता है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर देना पड़ता है, बाकी आपका 80% तक लोन हो जाता है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, लोन जो होता है आपका किसी गवर्नमेंट बैंक से नहीं होता, NBFC हाउसिंग फाइनेंस से होता है। लोकेलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो गौर सिटी, अगर आपने देखा है गौर चौक, चार मूर्ति चौक जो फेमस चौक है, NH 24 से जब आप एग्जिट लेते हैं गौर सिटी की तरफ को, तब आपको गौर चौक पड़ता है। उसके विद इन 10 किलोमीटर्स की रेंज में हमारे पास 8 से 10 ऑप्शंस हैं जो आपको विलास के मिल जाते हैं, फ्लैट्स के भी काफ़ी ऑप्शन हैं। अगर आप विला देख रहे हैं, विला फ्लैट भी मिल जाते हैं अफोर्डेबल रेंज में, बिल्कुल वेल डेवलप लोकेलिटी है। आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर, मैं जैसा कि हर वीडियो में अपनी क्लियर करता हूँ कि जो सेंटर, ये आपका गौर सिटी वाली लोकेशन है, इसके सराउंडिंग में आपको 8-10 बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, मॉल हैं और मतलब हाई डेंसिटी एरिया है सारा। 2 लाख+ फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, SEZ एरिया है आपका ऑलरेडी, वहाँ पर कॉरपोरेट कंपनीज ऑलरेडी हैं, IBM है, आर सिस्टम्स हैं। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यथार्थ हॉस्पिटल आपका वहाँ पर नियर बाई है और जो कॉरपोरेट हब है दूसरा सेक्टर 63, वो भी आपका हार्डली 5-6 किलोमीटर की दूरी पे होगा अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो। NH 24 जो मेन हाईवे है वो आपका हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं 3 BHK सेंट्रल नोएडा एंड सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन रेडी टू मूव मिल जाएगा। सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए या फिर हमारे नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं। हमने अपने नंबर मेंशन किए हुए हैं अपने होम पेज पर ही और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको ऑप्शन व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। वंडर शेयर बाजार 25 लाख के बजट में डेफिनेटली आपको फ्लैट मिल जाएगा। सर लोकेशन काफ़ी अच्छी अच्छी है हमारे पास और मैं आपको बता देता हूँ कि 25 लाख में, जैसे मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ, 25 लाख के बजट में आपको जो फ्लैट मिलेगा वो बिल्डर फ्लोर फ्लैट्स मिलेंगे जिसमें कि आपको अमेनिटीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली, लाइक आपका स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, ये सब चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो सिर्फ मिलेगी आपको लिफ्ट और कार पार्किंग की। और आपका फ्लैट की अगर मैं बात करता हूँ, फ्लैट आपका एज इट इज़ वैसे ही होती है क्वालिटी, कोई डिफरेंस नहीं होता। काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर्स आज की तारीख में बिल्डर फ्लोर्स भी डेवलप कर रहे हैं, तो आपको 25 लाख के बजट में अच्छा खासा मिल जाएगा।
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 25 लाख का अगर आपका बजट है तो आप एक इंडिपेंडेंट हाउस लें, क्योंकि उसमें आपको क्या प्रोविजन मिल जाता है कि आपको जमीन से आपको अपना घर मिल जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अपने चैट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। अमित शर्मा जी, डेफिनेटली आपको 16 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा, फ्री होल्ड प्लॉट मिल जाएगा। फ्री होल्ड में ये होता है कि जैसे मैं विलाज दिखाता हूँ तो वहाँ पर आपके प्लॉट का भी ऑप्शन है, आप विला लेना चाहते हैं तो विला ले लीजिए, प्लॉट लेना चाहते हैं आप प्लॉट ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आपको मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं 100+ प्रॉपर्टीज़ ग्रेटर नोएडा, नोएडा में शूट कर चुका हूँ, और मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल को जब आप विज़िट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने रिलेटिव से भी शेयर करिए जिनकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलता है, और आपके रिलेटिव्स को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वैसे डायरेक्टली आप किसी बिल्डर्स के पास जाते हैं तो आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप हमारे चैनल के ऊपर आते हैं तो हम आपको वर्चुअल विजिट कराते हैं, ब्रोकरेज फ्री असिस्टेंस देते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो आपको शायद एक पर्टिकुलर बिल्डर ना दे पाए। तो इसलिए चैनल को विजिट करते रहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि लगता है मुझे मैंने सारे ऑलरेडी जो पहले के कमेंट्स हैं सब आंसर कर चुका हूं मैं। इस सेशन के अंदर जिन जिन लोगों ने भी अपनी रिक्वायरमेंट रखी है मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या तो शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। और एक चीज़ और कहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं या तो मैं रिसीव करता हूँ, मेरे पास आते हैं कई सारे कॉल, मेरे पार्टनर हैं, सेल्स पार्टनर मिस्टर दीपक, वो अटेंड करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए कि आप हमें किस टाइम कॉल कर रहे हैं। सुबह 10 बजे के बाद ही कॉल करें और 7 बजे तक हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद हमारी भी पर्सनल लाइफ है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उस टाइम पे शायद हम आपको अटेंड ना कर पाए, तो 10 से 7 के बीच में हमें कांटेक्ट कीजिए, और हमारी जो सेल्स टीम भी है वो उसी टाइम के बीच में काम करती है, उसके बाद अगर आप कॉल करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा उसका। और एक बार जब आप हमारे को कॉल करके नंबर दे देते हैं अपना, तो उसके बाद आपको दिन के अंदर कभी भी कॉल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि देखिए प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आपने कॉल किया और तुरंत आपको कॉल आई और आपने ले ली, आप भी 10 बार सोचेंगे, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा करिए। जब आप कॉल करते हैं हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए, हमें भी इन्वेंट्री डिटेल चेक करनी होती है। कई बार क्या होता है कि वीडियो में हमने बताया कि भाई 20 लाख का फ्लैट है, लेकिन हो सकता है उस टाइम तक वो सोल्ड आउट हो चुका हो, तो आप वीडियो का ये देखिए कि वीडियो कब पब्लिश हुई भी है, वीडियो कितनी पुरानी है, और क्या वो प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी है नहीं है, वो सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई लाइव डिटेल्स नहीं है, हमें सिर्फ बिल्डर से ही चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें भी लगता है इन चीज़ों को चेक करने के लिए।
मुझे लगता है आप किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं लग रहा है मुझे। सो गाइस दोबारा से मैं बोलूँगा कि 10% लोग ही हमें सब्सक्राइब करा हुआ है अभी तक, 90% लोग हमें देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार लाइक ज़रूर करें वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो। उम्मीद करता हूँ आपके घर पे सब खुश सही होंगे, सब ठीक होंगे, और मैं यही प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और सब सेफ हो जाएं सब, क्योंकि काफ़ी सारी टेंशन चल रही है अभी तो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, कई लोग, मैं ये नहीं कहता कि सबके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि मैक्सिमम लोग परेशान हैं। अमित जी देखिए, अप्रिसिएशन की बात ऐसी है कि डेफिनेटली आपका अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि अगर कोई आप हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं और अच्छी लोकेशन है तो फ्लैट आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा। बट अगर आप देखेंगे तो विला के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, विला में आपको नीचे का एक फ्लोर बना के या तो दिया जाता है, सिंप्लेक्स बना के दिया जाता है या फिर ड्यूप्लेक्स बना के दिया जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि उसके ऊपर आप दो फ्लोर और बना सकते हो, तो आपकी एक रेंटल इनकम भी जनरेट हो जाती है साथ साथ। तो अगर आप मान के चलिए एक फ्लोर आपका 10 लाख रुपए का आपको मिला है, 10 लाख का मिलता नहीं है, नीचे का फ्लोर आपको मिनिमम 20-21 लाख रुपए का मिलेगा बन के ज़मीन सही। उसके बाद आपको पर फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो 5-7 लाख रुपए तो एक फ्लोर में लग ही जाते हैं, तो उस हिसाब से 40-45 लाख रुपए का मिनिमम मिनिमम आपको ये विला लगता है। तो विला के एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टाइम में। निशांत तनवर जी, सर अभी मैंने सोना में डील करना शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा नोएडा में डील कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मेरी प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में मैं NCR के और भी रीजन कवर करूँ, तो जल्दी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी आप हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली प्लॉट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर देंगे। दस से 15 लाख के बीच में कोई विला नहीं मिलेगा आपको, प्लॉट मिल जाएगा 15 लाख रुपए तक में, वो भी फ्री होल्ड, जैसे कि जहाँ पर मैं साइट्स पर विला दिखाता हूँ वहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस काफ़ी अच्छा है, वो भी ग्रेटर नोएडा नोएडा के अंदर। नोएडा में तो वैसे कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ग्रेटर नोएडा आपका गौर सिटी के सराउंडिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हाई राइज में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर आप डेवलपिंग उसमें देख रहे हैं तो डेवलपिंग में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। देखिए अगर किसी का बजट थोड़ा प्रीमियम है, 80 लाख से ऊपर है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो सेक्टर 150 में आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, प्रोमिनेंट डेवलपर्स वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ATS है, टाटा है, आपका समृद्धि लग्जरी एवेन्यू है, एस पार्कवे है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वो एक काइंड ऑफ मतलब आप ये लगा लीजिए कि उसमें 80% जो लैंड है वो आपका ग्रीनरी के लिए यूज़ किया गया है, बाकी 20% लैंड में कंस्ट्रक्शन हो रही है। इनफैक्ट ये हर प्रोजेक्ट की बात है, और आपको एक से एक लग्जरी अमेनिटीज मिलेगी। एक सबसे बड़ा प्रीमियम सेक्टर है नोएडा के अंदर वो, और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जेवर एयरपोर्ट से हार्डली 20 मिनट की ड्राइव पर आपको जेवर एयरपोर्ट वहाँ से मिल जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो
आपका परी चौक का मेट्रो है वो हार्डली लाइक 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और आपका सेक्टर 148 का मेट्रो है जो कि एक्वा लाइन है, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है आपकी नोएडा सिटी सेंटर के थ्रू, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपको डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। 80 से 90 लाख में प्रणव जी 5 BHK विला, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके लिए अरेंज कर देंगे हम। आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपकी रिक्वायरमेंट को चेक करके हम ऑप्शंस आपको शेयर करेंगे। और डेफिनेटली आप एक काम कीजिए, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी जो भी सेल्स मैनेजर अवेलेबल होंगे। देखिए जिसका भी, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करूँगा लोकेशन वाइज, अगर आपका बजट जो है मैक्सिमम 2 BHK के लिए 35 से 40 लाख का है, तो आपको सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन के अलावा और कहीं फ्लैट्स सस्ते नहीं मिलेंगे, वहीं मिल सकता है आपके बजट में फ्लैट। और बाकी अगर थोड़ा प्रीमियम में, अगर आप सेंट्रल नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा परी चौक की साइड जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको बजट एटलीस्ट आपको 80 लाख से ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर की साइड जो है आपको सारा प्रीमियम है और काफ़ी जो है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो उधर की साइड की आप देख सकते हैं। और प्लॉट भी उधर काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको, फ्री होल्ड में मिल सकते हैं आपको। तो और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप बताएं, फिर हम मैं सभी से बोलूंगा कि अब जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और एक क्वेश्चन दिल्ली के फ्लैट का बताएं, सर डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्द दिल्ली के फ्लैट्स भी शूट करूंगा और आपको डेफिनेटली बताऊंगा। कैसा फ्लैट देख रहे हैं आप दिल्ली में, थोड़ा रिक्वायरमेंट बताएंगे प्लीज़। आप अपना रिक्वायरमेंट्स, ओके 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं आप और क्या बजट लेके चल रहे हैं थोड़ा बताइए। आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, दिल्ली की भी कुछ रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो, अच्छा 25 से 30 लाख का आपका बजट है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए, हम आपको चेक करके ऑप्शन शेयर करते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल होती है अमित शर्मा जी, दाखिले खारिज होती है। अमित शर्मा जी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं विलास की, जो प्रॉपर्टीज इस चैनल पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है कि आपको विजिट करने के बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए। आप सेल्फ वेरिफिकेशन करा के अपना, उसके बाद आप डेफिनेटली अगर आपको समझ में आते हैं सारी चीज़ें ओके लगती है तभी आप आगे बढ़िए। हमारी तरफ से आपको कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं दिया जाएगा कि भाई आपको लेना ही है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, अगर आपकी इच्छा है तो आप लीजिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपको अपना बेनिफिट देखना। हमारे चैनल पे भी मेंशन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो पहले अपने ध्यान से अपना सारा कुछ देख के फंसने से बेटर है कि आप उसकी पूरी इंक्वायरी ले लें और उसके बाद ही फाइनल करें। अमित शर्मा जी, आप एक काम कीजिए, आपको आप हमें कांटेक्ट नंबर अपना शेयर कीजिए, हम आपसे बात करेंगे सारे डिटेल आपसे डिस्कस करके, फिर जो भी हमारी तरफ से आपको हेल्प हो पाएगी हम डेफिनेटली करेंगे।
और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं कुछ इंटीरियर डिज़ाइन की भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। कुछ बातें चल रही हैं मेरी अभी, आप मुझे थोड़ा सजेशन दीजिए कि होम डेकोर से रिलेटेड आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, वो भी मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं करूँगा सिर्फ होम डेकोर से रिलेटेड ही, उसके अलावा इस चैनल पर, क्योंकि प्रॉपर्टी का चैनल है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही जो चीज़ होगी वही मैं इस चैनल पर आपको दिखाऊंगा। कोई फालतू चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा इस चैनल पर। तो गाइज मुझे लगता है आप सभी के क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं मैंने। बाकी जो भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट अभी वो देख रहे हैं प्रॉपर्टी नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो अपना नंबर हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में विद योर रिक्वायरमेंट, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो उन्होंने नंबर मेंशन किए हुए हैं, उन पे आप हमें कॉल करके सारी डिटेल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगती है सारी डिटेल तो आप जब आपको अभी अभी तो माहौल ही ठीक नहीं है, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में आप आकर विजिट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली अच्छे से सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो गाइस मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। आज इस मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को लगभग 2 साल हो चुके हैं और हमने 2 साल के अंदर हमारी फैमिली जो है 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुकी है, और काफ़ी अच्छा मुझे ये खुशी है कि मेरे चैनल पर वही सब्सक्राइबर हैं जिनको जो प्रॉपर्टी हंटर है उनकी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी की। कोई आलतू फालतू सब्सक्राइबर नहीं है कि भाई जो रिक्वायरमेंट के बिना ही यहाँ पर है, जिनको काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि वो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे मैं उन लोगों का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा। और डेफिनेटली आप रेगुलर वीडियोज़ देख लीजिए। प्रणव जी डेफिनेटली थैंक्स फॉर योर आइडिया। देखिए मैं किसी ना किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ ही कोलैबोरेट करके ही आपके लिए ऑप्शंस लाऊंगा, कैसे लो कुछ सैंपल ऑप्शंस भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। कुछ प्लानिंग है मेरी, अभी लोगों से मीटिंग्स लाइंड अप हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ तो थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ही टाइम में आपको वो भी देखने को मिलेगा चैनल पर। सो गाइस चलिए अब सेशन को एंड करते हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, और मैं आपको बता देता हूँ मैं अभी 12:40 हुए हैं यहाँ पर, 12:40 हो चुके हैं, उसके अब मैं वीडियो जो लाइव करने वाला हूँ वो अपना आपका 2 बजे हमारी वीडियो लाइव होगी आज की, और डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसे अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और ऐसी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। जो भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट हम आपकी फुलफिल कर पाएंगे हमें बहुत खुशी होगी, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। तो प्लीज़ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस चैनल की इस सेशन में एंडिंग करता हूँ।